शार्क्स, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने आया हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास लड़कियों के जैसे स्टाइलिश, ग्लैमरस, एक्साइटिंग एंड सो कलरफुल कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बट नॉट एनी मोर। हाई शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ एट स्निच, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन। हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी शर्ट्स, डेनिम्स एंड अ लॉट मोर अदर स्टफ। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स इन इंडिया हु लॉन्च्ड कोऑर्ड सेट फॉर मेन, दैट इज अ पैड क्लोथिंग व्हिच इज 100% मेड इन इंडिया। नाइस। 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारा विजन ये है स्निच को इंडियाज बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। इसीलिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। 300 करोड़, धमाकेदार वैल्यूएशन। वी'd लाइक टू थैंक ऑल यू गाइस। यू कैन लीव व्हाइल वी डिस्कस वर्क विद हिम। थैंक यू बॉयज। थैंक्स गाइस। थैंक यू। Welcome to Shark Tank, Siddharth. Thank you, ma'am. बहुत अच्छे कपड़े थे, good brand. तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ, ma'am. बैंगलोर से? हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler. And clothing has been my passion from the age of 14, 15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वैकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्टओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी आई टुक लोन एंड डिड द ट्रांजैक्शन, बट टू माय बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड सिड द फैब्रिक इज फैब्यूलस, कैन यू मेक शर्ट्स आउट ऑफ इट। एंड आई वॉज स्टंड क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली, आई सैट देयर फॉर 3 to 4 weeks, अंडरस्टूड द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, वेयर एज आई वाज मेकिंग 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहाँ एवरी ब्रांड वॉज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहाँ हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे। तो उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ। बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा average order value जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। Oh wow.
सिद्धार्थ भाई आप रुकते नहीं हो, मतलब एक रास्ता पकड़ लिया फिर मोड़ आया फट से मुड़ लिए, कोई और मतलब बीच में रुकावट आए तो आप कूद लिए। हाँ, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 इयर्स ओल्ड। पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच, बहुत ही छोटा सा कैची नेम था, मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है। स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है, तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। We give top-notch international standards quality which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके products देखता हूँ, आप बोलते रहे। But उनका जो price point है वो थोड़ा higher है और tier 2 में either they are not available या 3-4 में तो unaccessible हो जाता है. And we are a mass premium brand. We are perfectly positioned between a Max and an H&M. एक second, quickly. ये कितने का है? $14.99. और ये? That's about $15.99. Okay. तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में। एब्सोल्युटली। और येलो टी-शर्ट कितने का है? ये कोऑर्ड सेट है सर, बेसिकली $1,099। आप एक बताइए, डिजाइन कौन करता है और सैंपल्स अप्रूव कौन करता है? मैम बेसिकली हमारे पास एक डिजाइन टीम है विच हैज अ सेट ऑफ 7-8 डिजाइनर्स और मैं पर्सनली डिजाइन में काफी इन्वॉल्व होता हूँ। डिजाइन लैंग्वेज तो कहीं समझ आई नहीं रही, सब अलग है। सर हमारा मॉडल जो बिजनेस का है वो है फास्ट फैशन का, विच मीन्स ट्रेंड्स जो है ना वो हर रोज हर महीने बदलते रहते हैं। नहीं बट उसमें आपको इन्वेंटरी हैंगओवर हो जाएगा थोड़ा सा। डेड स्टॉक। ऐसा कोई फैशन ब्रांड खड़ा ही नहीं हो सकता है विदाउट यू नो हैविंग डेड स्टॉक। बट द एडवांटेज दैट वी हैव इज दैट वी मेक इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज। हम 50 से 100 पीसेस का बैच पहले बनाते हैं, उसका ट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट्स रखा हुआ है। अगर 3 दिन में हमारे एक्सपेक्टेशन से ये 10 दिन चलने वाला है तो इमीडिएटली वो ट्रिगर जाता है प्रोडक्शन वाले को कि आपको इसको रेप्लेनिश करना है और मेक श्योर के ये 10 या 15 दिन या जितना जल्दी हो सके वापस वेबसाइट पे लाइव आए। तो आपने इस पूरी चीज का टेक बनाया है या ये अभी भी मैनुअली चल रहा है? तो हमने एक छोटा सा टेक व्हाट्सएप के थ्रू बनाया हुआ है, कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है। आज के डेट पे सारे कुछ जो टूल्स आपको चाहिए वो रेडीली अवेलेबल है। पर अगर रेडीली अवेलेबल है तो भाई कोई भी कर लेगा ना ये बिजनेस? नहीं सर, बट इन वो जो स्किल है, जो स्किल है ना, क्या है वो स्किल आप बताएंगे? तो मैं वही बता रहा हूँ, फ्रॉम डिजाइन टू मेकिंग इट लाइव विद इन 25 days यू नीड अ लॉट ऑफ यू नो डॉट्स टू बी कनेक्टेड। Pantaloons, Anansoli, Van Heusen, इतने ब्रांड्स बने इंडिया में, रिलायंस के ब्रांड्स हैं। Absolutely. वो क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज? सर बेसिकली they've always been a traditional brand और मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो फास्ट फैशन का गेम है वो इसी सप्लाई चेन को क्रैक करने में ही है। बट आपके खुद का बहुत बेसिक डिजाइन है आपने जो पहना है? नहीं सर, ये मैंने आपसे ही सीखा के ब्रांड लगा के चलो। बट फायदा होता है ना? बहुत फायदा होता है सर। मैं फ्लाइट पे था, मेरे बगल में ही था और उसने पूछा डू यू वर्क एट स्निच, मैंने बोला यस आई वर्क एट स्निच, फिर उसने तारीफ की, फिर मैंने बोला नहीं आई एम द फाउंडर। फिर तुझे मेरी, फिर तुझे पीछे पीछे बैक ऑफ द माइंड मेरी याद आई थी। हाँ बहुत आई मतलब मैंने स्टार्ट ही ये आपको सुनने के बाद ही ये शुरू किया। शुक्रिया। आपका अभी कितना बड़ा बिजनेस बन गया है? सर हमने पिछले महीने किया है ओवरऑल सेल्स ऑफ 9 crores। वेरी नाइस। जिसमें से ओन वेबसाइट का रेवेन्यू रहा है 6 करोड़ रुपए, नेट ऑफ ऑल रिटर्न्स, एक्सचेंज, एवरीथिंग। मार्केट प्लेस हमने सिर्फ 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, देयर वी डिड अबाउट 1 करोड़ रुपीस। और जो B2B ऑफलाइन चैनल है वहाँ पे हमने किया 2.3 crores। तो 9 करोड़ की सेल पे आपका प्रॉफिट कितना था बिजनेस में? तो हमारा ब्लेंडेड ग्रॉस मार्जिन और नेट सेल्स इज एट अबाउट 47-48%। उसके बाद आता है मार्केटिंग इज एट अबाउट 24%। ओके। शिपिंग चार्जेस है विच इज एट अबाउट 8-10%। फिर आफ्टर ऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर EBITDA करेंटली इज एट अबाउट 4.5-5%। तो 9 करोड़ के बिजनेस में कहना ठीक होगा कि आपने 50 लाख रुपए कमाए, 40-50 लाख? हाँ सर, क्योंकि हम EBITDA पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे उस एंगल से जाना होगा तो स्केलेबिलिटी विल बिकम अ चैलेंज। 50 लाख महीने का प्रॉफिट बना रहे हो ये बिना फोकस के? फोकस कर दिया अगर तो कहाँ पहुँच जाएगा? अब अपनी फंडिंग के बारे में बता दीजिए, अभी तक कितनी हुई है? सर इट इज 100% बूटस्ट्रैप्ड एज ऑफ टुडे। वाओ, अमेजिंग। बूटस्ट्रैप्ड कंपनी वो होती है जिसमें फाउंडर या फाउंडिंग टीम के पास सारी इक्विटी हो, उन्होंने या तो अपनी सेविंग से या अपना कोई लोन लेके उन्होंने ही पैसे लगाए हो कंपनी में, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप्ड कंपनी।
कोई पैसा नहीं रेस किया कोई अभी। पैसा नहीं है, डेट है 4.5 करोड़ रुपए का, ये फ्रेंड्स एंड फैमिली का ही है। इंटरेस्ट कितना देते हो आप? 2-9% में और 2-12%। और पिछले साल क्या रेवेन्यू था? 44 करोड़। इस साल कितना रेवेन्यू होगा? सर वी शुड टच एटलीस्ट 90-100 करोड़। बट नाउ एक सैचुरेशन पॉइंट आया जहाँ पे हमें फंड्स और चाहिए होगा टू स्केल दिस एट द सेम लेवल। आपको इतनी क्लैरिटी कहाँ से आ रही है? कोई सपोर्ट कर रहा है आपको? कोई मेंटोर है? कुछ बात तो होगी। सर मेंटोर तो वैसे तो आप सारे ही हो, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स आपके पढ़ता हूँ और इसके अलावा भी आई थिंक इंटरनेट इज द बिगेस्ट टूल। फादर कैसे फील करते हैं जो लड़के को उन्होंने बगल में दुकान दिलाई थी ये सोच के कि शायद बिजनेस बने? आई वुड गिव दिस एंटायर क्रेडिट टू माय फादर इटसेल्फ। हर फादर चाहता है कि उनके बिजनेस को आप ग्रो करो, बट जैसे ही मैंने बोला ही डिड नॉट इवन आस्क मी क्यों क्या कैसे, एंड ही इज ऑलवेज लेट मी फ्री एंड सेम विद माय सिस्टर्स। ही मेड श्योर दैट दे स्टैंड ऑन देयर फीट फर्स्ट एंड देन गेट मैरिड। उन्होंने लास्ट बर्थडे पे मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया था जिसमें एक एंटायर स्टोरी उन्होंने लिखा था अबाउट यू नो माय जर्नी एंड yeah, I mean, उन्होंने basically यही लिखा था I'm the most proudest father and you know the way you have actually delivered on the values of our upbringing. So yeah, बहुत कुछ लिखा था। आपके idol कौन है? My father, my mother. I mean, my mother was the person who pushed me towards starting the new store. उन्होंने बोला पापा के कुर्सी पे जाके क्या बैठ रहा है? Do something on your own. बहुत अच्छी तालीम मिली है यार आपको, दिल से सलाम बस। आपको अभी 1.5 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़ से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो। अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे सच में एक ग्लोबल स्केल कंपनी बनना है, तो यू विल नीड अ बिग राउंड ऑफ कैपिटल। तो यहाँ किस लिए आए हो आज और हमसे क्या चाहते हो? बेसिकली यही है कि आप लोगों के साथ शायद मैं ग्रोथ बहुत फास्ट करूंगा। ईच वन ऑफ यू ऑल हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज, तो अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट आई कम इन हियर फॉर। मैंने भी ना मार्केटिंग कभी नहीं पढ़ी, तब मेरे को भी नहीं आता था कस्टमर एक्विजिशन वगैरह कैसे करना है, क्या करना है। यूट्यूब में वीडियोस देख के, लोगों से बात करके, Absolutely. तो मुझे वो बहुत बहुत सही लगे। और दूसरी बताऊँ एक सिमिलैरिटी, 100 करोड़ तक मैंने भी फंडरेज नहीं किया था। अगर हम 1 करोड़ रुपए दें और हम मैं विनीता अगर अनुपम रेड्डी हैं और अमन चारों आ जाएं और चार नमिता को क्यों छोड़ दिया? अच्छा नमिता आउट नहीं हुई थी अभी, सॉरी पांचों आ जाएं, 1.5 करोड़ ही दे दो। चलो 1.5 करोड़ दे दें और 1.5% ले लें जो आप चाहते हो कि मुझे पांचों शॉट्स मिले, तो क्या व्यू है आपका इसके बारे में? बिकॉज इसमें फिर आपको पांचों लोग भी मिल रहे हैं, हमारे को एक एक को कितना मिलेगा 1.5% में? 0.3 बिकॉज ये कैटेगरी वो कैटेगरी है, आप वीसी के पास ले जाइए, वो आपको शक की नजर से पहले ही देखता है। जो अमन की कैटेगरी में भी ट्रू था, बट ही हैज प्रूवन एवरीबॉडी रॉन्ग। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम लाइक ही इज एन इंस्पिरेशन। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए ये स्टार्ट करना, क्योंकि आपने वही किया जो मैं ज़ारा और H&M के साथ करने वाला हूं। वेरी गुड। थोड़ा और बोलो, ज्यादा वैल्यूएशन भी मिल जाएगा। नहीं, बट तूने जो बात बोली ना, पता है हमने ना फिरंगी ब्रांड्स को इंडिया से हटाई दिया है। हाँ। उनका नाम खाली कर दिया, अब इंडियन ब्रांड्स ही रूल कर रहे हैं स्टार्टिंग विद अस। क्या लगता है भाई? 1.5% 1.5 करोड़ बहुत अच्छा वैल्यूएशन है यार। 1.5% 1.5 करोड़ कितना हो गया? 100 करोड़। 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। ये फाइनल ऑफर है। दो रास्ते हैं, या तो हम इधर आएंगे या इधर जाएंगे, बता क्या करें। Let's do it. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
थैंक यू सो मच. थैंक यू. इंडिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बनाएगा कि नहीं? थैंक यू सो मच भाई. अपने पिताजी को हमारा सलाम और रिस्पेक्ट्स देना बस. 100%. चलो थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैंने जितनी भी आज तक इन्वेस्टमेंट्स किए ना, मेरा जीरो एक ही डील में हुआ है. जीरो. वो एक अपैरल बिजनेस ही था. पर जब इसने लास्ट में वो पेरेंट्स वाला आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, देन आई थॉट कि नहीं यार, लेट्स नॉट फॉर्म पैटर्न्स. Thank you.